दोस्तों हालांकि आप कई सारे सजेशंस, कई सारे क्वेश्चंस हम लोगों से पूछते हैं कमेंट बॉक्स में, वीडियोस में जाकर, ऐसे ही कई बार कई सारे स्टूडेंट्स ने हमसे सवाल किया कि हम अर्नी यूनिवर्सिटी के ऊपर एक वीडियो बनाएं। हालांकि हमने अर्नी यूनिवर्सिटी पर पहले भी वीडियो बनाई है, बट यहां बात की गई है कि कौन कौन से कोर्सेज ये यूनिवर्सिटी करवाती है, अर्नी यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थित है, क्या उसका एड्रेस है, यूजीसी क्या बोलता है, कौन कौन से कोर्सेज ये यूनिवर्सिटी करवाती है, कब यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश हुई, और भी कई सारी चीजें, खास करके क्या क्या कोर्सेज करवाती है अर्नी यूनिवर्सिटी, उसके बारे में बहुत कुछ बताऊंगा आज अपनी इस वीडियो में। ज्यादा कुछ जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है यूनिवर्सिटी इंडिया। मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा आप सभी जानते हैं, हम देश विदेश की यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, उनके कोर्सेज को एक्सप्लोर एंड रिव्यू करते हैं और आपको बताते हैं सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं। दोस्तों हालांकि हमने कई सारी यूनिवर्सिटीज को रिव्यू किया, कई सारी यूनिवर्सिटीज में विजिट भी किया, इंटरव्यू किए उनके स्टाफ को लेकर, हालांकि हमने अर्नी यूनिवर्सिटी को भी मेल किया ताकि हम इंटरव्यू करना चाहते हैं इस यूनिवर्सिटी का, हम जाकर एक्सप्लोर करना चाहते हैं यूनिवर्सिटी को, स्टूडेंट्स को कैंपस दिखाना चाहते हैं। हालांकि उसका रिप्लाई अभी तक नहीं आया, बट आप लोगों की रिक्वेस्ट पर कि यूनिवर्सिटी कौन-कौन से कोर्सेज करवाती है, उस पर आज हम ये वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए। सबसे पहले दोस्तों आपको ये जानना जरूरी है कि यूनिवर्सिटी ये एस्टैब्लिश कहां है। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट खुद ये बोलती है, यूनिवर्सिटी जो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा है हिमाचल प्रदेश, वहां ये यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश है। यूनिवर्सिटी चल रही काफी पुरानी है, बट अगर मैं यूजीसी की बात करूं तो यूजीसी पर बोलता है डेट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, डेट ऑफ गजट नोटिफिकेशन जो बोलती है 2009, मतलब कि 3 नवंबर 2009 का इसका नोटिफिकेशन हुआ, और साथ में ही डेट ऑफ इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय द यूनिवर्सिटी, जो सबमिशन होता है यूनिवर्सिटी का इंफॉर्मेशन का, वो 2013 में हुआ, और साथ में ही एक्सपर्ट कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड, जो एक्सपर्ट कमिटी एक विजिट करती है यूनिवर्सिटी को, उसका भी कहना है यस, मतलब यूनिवर्सिटी को यूजीसी का तो बिल्कुल अप्रूवल है। सबसे पहले बात करें अप्रूवल की। दोस्तों इस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेंगे या नहीं, उसके लिए तो आप अपने विवेक से काम लें, आप देखें कि यूनिवर्सिटी की मार्केट में क्या वैल्यू है, मतलब कि आप जब डॉक्यूमेंट्स अपने कहीं लगाएंगे, कहीं ये यूनिवर्सिटी भी उन यूनिवर्सिटी की लिस्ट में शुमार ना हो जाए जहां डॉक्यूमेंट्स आपके चलते नहीं है। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं पहले अपने डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से वेरीफाई करवा लें, अगर किसी भी लेफ्ट राइट तरीके से आपने लिया है। आप समझ सकते हैं लेफ्ट राइट कहने का मतलब मेरा क्या है, अपने डॉक्यूमेंट्स को सिर्फ आरटीआई से ही वेरीफाई कराएं। अगर यूनिवर्सिटी के पास आपका रिकॉर्ड है तो मैं नहीं मानता यूनिवर्सिटी को आरटीआई के थ्रू आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने में कभी कोई प्रॉब्लम होगी। अब यूनिवर्सिटी कोर्सेज कौन कौन से करवाती है आप वो जानिए। सबसे पहले यूनिवर्सिटी बोलती है स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब कि टेक्निकल कोर्सेज, जैसे कि डिप्लोमा, इंजीनियरिंग डिप्लोमा आप कर सकते हो, आप बीई या बीटेक करते हैं, एमटेक करना चाहते हैं, तो यूनिवर्सिटी बोलती है हम ये कोर्सेज अपनी यूनिवर्सिटी में करवाते हैं। स्कूल ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, मतलब कि बीकॉम, एमकॉम, या फिर आप करना चाहते हो बीबीए, एमबीए, ये कोर्सेज भी आप इस यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी का ऐसा बोलना है। साथ में स्कूल ऑफ लाइफ एंड अलाइड साइंसेज, ये कोर्सेज कुछ हैं जो आप कर सकते हैं, जैसे कि नॉन मेडिकल कोर्सेज होते हैं वो सारे, बहुत सारे ऐसे कोर्सेज आते हैं मेडिकल में, नॉन मेडिकल में, अलाइड साइंस में वो कोर्स इंक्लूड कर लिए जाते हैं। स्कूल ऑफ फिजिकल साइंस, मतलब कि जो आपका बीएससी में नॉन मेडिकल होता है उसकी बात ये यूनिवर्सिटी फिलहाल कर रही है। साथ में ही स्कूल ऑफ टूरिज्म एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट, बहुत सारे स्टूडेंट्स कोर्स करते हैं, वो कहते हैं सर टूरिज्म डिप्लोमा चाहिए, टूरिज्म में हमें यूजी कोर्स करना है, ऐसे कोर्सेज यूनिवर्सिटी करवाती है। स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज, मतलब कि आप बीए करना चाहते हैं, एमए करना चाहते हैं, बीए एमए में बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, जर्नल में कुछ कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं, या फिर आप बीए ऑनर्स करना चाहते हैं, बीए हिंदी, इंग्लिश, पॉलिटिकल हिस्ट्री, बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, उन सब की ही यूनिवर्सिटी ये बात करती है। साथ में ही यूनिवर्सिटी बात करती है स्कूल ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, मतलब कि यूनिवर्सिटी के पास आप बीसीए कोर्स करना चाहते हैं, एमसीए करना चाहते हैं, वो कोर्स भी यूनिवर्सिटी करवाती है। साथ में ही बहुत अच्छा एक कोर्स स्कूल ऑफ फार्मेसी, यूनिवर्सिटी के पास फार्मेसी का अप्रूवल है या नहीं, मतलब कि पीसीआई का अप्रूवल है या नहीं, फार्मा काउंसिल ऑफ इंडिया का अप्रूवल है या नहीं, ये तो पीसीए की साइट से आप जाकर डिटेल्स बिल्कुल निकाल सकते हैं। हम इसी यूनिवर्सिटी का एक वीडियो लेकर आएंगे जिसमें आपको बताएंगे इस यूनिवर्सिटी के पास अप्रूवल्स क्या क्या है, जो भी कोई स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहता है इस यूनिवर्सिटी में या लिया है या डॉक्यूमेंट्स लिए हैं, वो अप्रूवल की वीडियो आप जरूर देखें, उससे बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा इस अर्नी यूनिवर्सिटी के बारे में। साथ में
यूनिवर्सिटी बोलती है कि स्कूल ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल कोर्सेज। दोस्तों वोकेशनल स्टडीज पर छोटे जो डिप्लोमाज होते हैं, कई सारे स्टूडेंट डिमांड करते हैं कि हमें 6 महीने का, 1 साल का डिप्लोमा चाहिए, वो यहां से कर सकते हैं, ऐसा यूनिवर्सिटी का बोलना है। साथ में ही देखा जाए तो यूनिवर्सिटी के पास और भी कुछ कोर्सेज जैसे कि रिसर्च करवाना, मतलब PhD में एडमिशन लेना, MPhil तो हालांकि अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार हट जाएगा, पर मैं बात करूं PhD में, PhD अलग अलग सब्जेक्ट्स में, अलग अलग डिसिप्लिन में, अलग अलग स्ट्रीम में आप कर सकते हैं इस यूनिवर्सिटी से। जो यूनिवर्सिटी बोलती है कि रिसर्च करवाते हैं, उसके लिए आप यूनिवर्सिटी जाइए, जाके उनके गाइड से मिलिए। पर मैं आपको बता दूं कि अर्नी यूनिवर्सिटी पर पहले भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के द्वारा इल्जाम लगाए गए, बोला गया अच्छे से एजुकेशन नहीं देते हैं, या प्रॉब्लम चलती है, स्टाफ नहीं है, फैकल्टीज नहीं है, ऐसा कई बार कहना है। हम यूनिवर्सिटी को फेवर तो नहीं करते, पर हाँ जो कहती है वेबसाइट इनकी, जो बताती है उसके बारे में आपको डिटेल्स जरूर देते हैं, क्योंकि हर स्टूडेंट वेबसाइट पर सब चीज देखकर इजीली नहीं समझ पाता है। अप्रूवल्स की हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, या फिर जो भी कुछ आप जानना चाहते हैं अर्नी यूनिवर्सिटी के बारे में तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि हम उस पर डिटेल वीडियो बना सकें। आप अगर चाहते हैं सिर्फ फार्मेसी को लेकर वीडियो तो हम उस पर बनाएंगे, आप चाहते हैं सिर्फ PhD पर हम वीडियो बनाएं तो उस पर बनाएंगे, या किसी भी कोर्स को लेकर या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर आप चाहते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं या हमें आप व्हाट्सएप करें, हम आपको रिप्लाई जरूर करेंगे और कोशिश करेंगे आपकी हर तरह की मदद करने की, जो भी डाउट्स आपके दिल में है उन सबको क्लियर करने की। दोस्तों आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस हम आपके लेकर आ सके सबसे पहले, और आपको बना सके एजुकेशन में क्या कुछ चल रहा है, एजुकेशन का जानकार। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारी वीडियो के साथ बने रहने के लिए।